नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तिगरे प्रखंड अंतर्गत इंद्र ज्योति उच्च विद्यालय पकठोल के प्रांगण में नव वर्ष के अवसर पर अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। स्टार क्रिकेट क्लब पकठोल के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट का उद्घाटन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर रविन्द्र मोहन प्रसाद के द्वारा किया गया था, जिसमें अब तक 15 से अधिक टीम ने इस टूर्नामेंट में भाग ली। रविवार को महेश्वरा और जगदर के बीच फाइनल मैच खेली गई, जिसमें जगदर की टीम ने 237 रन बनाकर महेश्वरा को पराजित करते हुए जीत का खिताब अपनी टीम के नाम किया। गुड्डू यादव ने 107 रन और एक विकेट अपने नाम कर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम कर लिया। उक्त अवसर पर मौजूद तेगरा विधायक रामरतन सिंह एवं पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सानी के द्वारा जगदर के टीम को विजेता का सिल्वर प्रदान किया गया। वहीं महेश्वरा टीम की को विजेता के रूप में पुरस्कृत किया गया। विधायक रामरतन सिंह ने कहा कि खेल के आयोजन से ग्रामीण स्तर पर छुपे प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिलता है। खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां हारने और जीतने वाले दोनों टीम के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई ही नहीं बल्कि उसे सम्मानित भी किया जाता है। हर विधा के लोगों को खेल के आयोजन से सीख लेने की जरूरत है। दोनों टीम के खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने पर शुभकामना देते हुए उन्होंने आयोजक क्लब के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुखिया पंकज कुमार सानी ने कहा कि क्रिकेट खेल हमेशा संघर्ष करने की सीख देती है। सरपंच प्रमोद कुमार त्रिशिया ने कहा कि खेल से शारीरिक बल के बौद्धिक के साथ ही क्षमता का भी तेजी से विकास होता है। मौके पर वार्ड सदस्य हिमांशु कुमार ने खेल को आपसी भाईचारे के प्रतीक बताते हुए कहा कि खेल से सामाजिक समरसता के क्षेत्र में व्यापक बदलाव भी की शुरुआत होती है। मौके पर कमेंटेटर मंजेश कुमार, दानिश अनवर, राणा कुमार सहनी, एम्पायर संजीत एवं प्रवीण के तजुर्बे को मैदान में जुटे दर्शकों ने खूब सहारा। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। बहुत अच्छी गेम जिसे गोलू झा ने सम्मान पूर्वक खेला, जिसे आशीष ने बढ़ोतरों में गेंद को गेदर किया और इस तरह से टीम का स्कोर पिछले मैचों में रेफरी को मिले इस तरह से गोलू झा